नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका न्यू पॉसिबिलिटी में। दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूं टायर का ये शानदार वीडियो जो एक फिफ्थ क्लास का बच्चा भी बड़ी आसानी से सीख लेगा कि एक्चुअल में हमारी जो गाड़ी है इसमें फ्रंट टायर कौन सा होगा, रियर टायर कौन सा होगा, क्या साइज होना चाहिए, साइज की क्या इंपॉर्टेंस है, कितना उसका लोड सह सकता है, कितना वो कंट्रोल कर सकता है, क्या उसका पैटर्न फ्रंट के लिए होगा, क्या उसका पैटर्न रियर के लिए होगा। अब जैसे आपको बताया, इस वीडियो के देखने के बाद आपको दूसरी किसी वीडियो की जरूरत नहीं होगी, आपको सिर्फ पूरे कॉन्सेंट्रेशन से इस वीडियो को देखना है, कंफ्यूजन हो दोबारे देखना है और इसी वीडियो में आपके सवालों के सारे जवाब मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो को दो फेज में हमने डिवाइड करा गया है, पहला फेज है ऑन पेपर और दूसरा फेज सीधे टायर के पास जाके प्रैक्टिकल करना। दोस्तों ध्यान से देखना, बस इसी में ही सारा खेल छिपा है, कहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक टायर का बेस जो ग्राउंड पे लगाता है, इसको ये होगी टायर की क्या होगी, विड्थ होगी। ठीक है दोस्तों, और अब आप ध्यानपूर्वक देखना कहाँ से लेकर कहाँ तक, टायर के इस हिस्से से लेकर यहाँ तक, इसको बोलते हैं एक्सपेक्ट हाइट, ये होगी टायर के रिम से लेकर यहाँ तक, ये होगी हाइट। और 17 यानी कि जो टायर का रिम हो गया, बोले तो ये टायर का रिम हो गया, ये जो अलॉय व्हील है ये हो गया इसका रेडियस, ये हो गया इसका आर। तो मानते हैं जो साइज है हमारा 120 70 17 120 इसकी चौड़ाई होगी दोस्तों, और जो 70 है 70 इसका 120 का एक्सपेक्ट रेशियो है, यानी कि इसकी हाइट 120% 120 का 70% है, ये होगी इसकी हाइट। और रेडियस 17, ये आप समझ गए होंगे, रेडियस यानी कि अलॉय व्हील यानी कि डायमीटर ऑफ रिम, ये हो गया हमारा, ये हो गया दोस्तों रेडियस। ये साइज 150 या 150 से ज़्यादा सीसी वाली इंजन में ये फिट होता है। अब इस पे लिखा रहता है 120 70 17 MC 51P MC 51P, थोड़ा साफ साफ लिखते हैं दोस्तों, 120 70 17 MC 51P 120 आपको पता लग गया, 120 इसकी चौड़ाई है यानी कि ये चौड़ाई होगी टायर की, 70 इसका एक्सपेक्ट हाइट, ये टायर की हाइट होगी दोस्तों। इसको हम इस तरह से रखते हैं चार्ट को, मान लो ये टायर की होगी हाइट कहाँ से, अलॉय व्हील के इस छोर से यहाँ तक, और 17 आपको बताया डायमीटर ऑफ रिम या अलॉय व्हील, और 51 क्या है। अब बारी आई दोस्तों टेबल की, बोले तो फार्मूला पुट करने की। अब जो 50 MC का मतलब मोटरसाइकिल और 51P का मतलब, जैसे देखेंगे हम फिफ्थ क्लास के स्टैंडर्ड से हमने फार्मूले पुट करना सीखे थे, तो अब देखेंगे हम 51P। 51P के लिए हम निकालेंगे ये चार्ट, और मैं ये आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 51P ये रहा 51 ये रहा 51। अब 51 का मतलब ये है लोड इंडेक्स, तो 51 इसका हो गया लोड इंडेक्स, 195 का लोड ले गए। जैसे कि बताया आपको 51 का मतलब, चार्ट में आपको बताया 195 का लोड कैरी कर सकता है, 51P का मतलब 195 kg का लोड कैरी कर सकता है, और P का मतलब स्पीड इंडेक्स। इसके लिए हम दूसरा चार्ट रीड करेंगे, ये रहा P और P के नीचे लिखा हुआ है 150, यानी कि जो हमारा ये हो गया टायर 150 की स्पीड में, P का मतलब 150 की स्पीड में 195 kg लोड लेकर
जा सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट साइज के पास। दोस्तों आ गए हम टायर के साइज के पास। जैसे हमने बचपन में टेबल रीड करे थे वैसे ही अब टेबल रीड करने का समय आ गया है। अब फिफ्थ क्लास से ही हमने फार्मूले पुट करने सीखे थे। अब 51S51 का मतलब जैसे आपको बताया 195 लोड इंडेक्स और S का मतलब है स्पीड इंडेक्स। ये साइज हमने कंफर्म कर लिया। अब पारी आई 130/70/17 MC 62P। यहाँ पे हम लगाएंगे फार्मूला, रीड करेंगे टेबल। अब 130/70P 130 जो टायर की चौड़ाई होगी, 70 इसका एक्सपेक्ट रेशियो हो गया और 17 जो हो गया रिम यानी अलाइवल डायमीटर ऑफ टायर का। MC मोटरसाइकिल 62P। देखो दोस्तों पुट करते हैं, रखते हैं हम हमारे टायर पे साइज के पास। हम जाएंगे जहाँ जहाँ P लिखा हुआ, इसका मतलब है दोस्तों 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टायर जा सकता है। और 62 को आपको बताया था कितना टेबल में पढ़ के, 265 का वेट कैरी कर सकता है, यानी कि 265 का वेट कैरी कर ये टायर मैक्सिमम रफ्तार पकड़ सकता है 150 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वेरी गुड। हमारा नेक्स्ट साइज है 190/18 MC 52P। बताते हैं हम आपको एक और एग्जांपल के साथ में, 100 जो इसकी विड्थ होगी कहाँ से कहाँ तक होगी। दोस्तों ये जो टायर की चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक टायर की चौड़ाई होगी, ये होगी इसकी विड्थ होगी। हाइट कहाँ से कहाँ तक, ये इसका अलाइवल डी एंड हो रहा है यहाँ से लेकर टायर के टॉप तक, ये होगी इसकी हाइट। और रिम जैसा आपको बताया डायमीटर ऑफ टायर, यानी कि इसका अलाइवल का जो डायमीटर है वो हो गया इसका, वो हो गया रेडियस, ये हो गया रेडियस। जैसे कि आपको बताया ये जो डायमीटर है ये हो गया इसका रेडियस। 190/18 MC 56P हमने रीड कर लिया। जैसे कि आपने टेबल से सीखा 56 और P का मतलब, 56 हमारा लोड इंडेक्स हो गया और P का मतलब हमारा स्पीड इंडेक्स हो गया। वैसे ही मैं आपको एक इजी फार्मूला दे रहा दोस्तों, वंस अगेन ये फार्मूला। दोस्तों मैंने आपको एक फार्मूला दिया जिसमें आपको एक पेपर में लिखना है 1 2 3 1 2 3। जब 1 होगा सी दे इसके नीचे आप W लिखना, 2 के नीचे H लिखना और R के नीचे 3। W का मतलब है टायर की चौड़ाई, दूसरा 2 के नीचे मतलब हाइट और थर्ड इसके नीचे मतलब है रेडियस, चौथा नंबर है इसके अदर इंडेक्स और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो दोस्तों ये 3, ये टायर का साइज बताती है हमें जो आपकी गाड़ी में लगना है, जो आप देख के जो भी आप दुकानदार के पास जाओगे, जो भी रिटेलर के पास जाओगे, शोरूम में जाओगे, वहाँ आप ये साइज बताओगे। दोस्तों आ गए हो अपने लास्ट फेज में। अब हमने इसमें टायर का साइज लिया है 140/70/17 MC 66H। ये साइज जानबूझ के लिया है ताकि हमारी इंडियन गाड़ियों के हिसाब से आप समझ सकें। अब ये साइज लगता है लगभग 220 अपाचे 300 और यामा FZ। तो अब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे 140/70/17 का मतलब क्या हुआ। 140 विड्थ होगी, 70 इसका हाइट होगी एक्सपेक्ट रेशियो के अनुसार, बोले तो 140 की 70% और 17 इसका रेडियस हो गया, MC का मतलब मोटरसाइकिल और यहाँ पे लिखा हुआ 66H। अब 66 का मतलब हो गया, ये हो गया इसका लोड इंडेक्स और H का मतलब हो गया स्पीड इंडेक्स। अगर आप अपने टेबल में देखोगे तो 66 का मतलब हो गया लगभग हमारा लोड 310 kg का लोड लेके H का मतलब हो गया 210 की रफ्तार से चल सकती है, बोले तो लगभग 300 kg का वेट लेके मैक्सिमम रफ्तार है 210 तक आप इस टायर को अपनी गाड़ी में फिट करके भगा सकते हैं, ये होगी इसकी मैक्सिमम लिमिट। अब आपको एक्सप्लेन करते हैं। आप देखिए आप यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एरिया हमारा ग्राउंड कांटेक्ट के लिए होगा वो होगा विड्थ,
ये हो गया हमारा विड्थ। अब इस 140 का एक्सपेक्ट रेशियो, ये होगी टायर की हाइट, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टायर की हाइट होगी, यानी 140 का 70% जो हिस्सा हो गया ये हो गया हाइट। दोस्तों ये हो गया इसका रेडियस, रिम का या अलॉय व्हील का रेडियस, डायमीटर ऑफ टायर हो गया इसका रेडियस, तो पूरी गोलाई में आप चेक कर लें पूरी गोलाई में हो गया रेडियस। दोस्तों हमारा दूसरा साइज है 130 70 17, जैसे कि आपको दिखा दिया 130 जो होगी इसकी विड्थ होगी टायर की चौड़ाई जो ग्राउंड पर कॉन्टैक्ट होता है। अब 70 जो होगी इसकी एक्सपेक्ट हाइट होगी 130 का परसेंट 70वां परसेंट। अब 70 इसकी हाइट होगी जो 130 का 70% है जी, ये होगी इसकी हाइट ठीक है। और जैसा आपको बताया 17 जो हो गया इसका डायमीटर ऑफ टायर, 17 हो गया इसका रिम का साइज जिसमें ये टायर फिट होगा। आते हैं दूसरे टायर के साइज के पास। दोस्तों आ गए हम अपने लास्ट साइज के पास जो है 120 80 17। वंस अगेन ये पल्सर में लग सकता है, पल्सर 150 में या पल्सर 180 में, अकॉर्डिंग हमारी कंडीशन जैसे हम लगाना चाहें कितना चौड़ा में टायर लगाना है। वैसे तो 100 80 17 भी लग सकता है पल्सर 150 में। अब आते हैं अपने साइज के पास 120 80 17। 120 जैसे कि आपको बताया 120 टायर की विड्थ होगी, ये जो आपको बताया यहाँ से यहाँ तक होगी, 80 एक्सपेक्ट इसकी हाइट होगी, 120 का 80% वाला हिस्सा ये होगी हाइट। और वंस अगेन 17 इसका रेडियस हो गया, MC का मतलब मोटरसाइकिल, 61 P जैसे कि आपको पता है लोड इंडेक्स, P का मतलब है भैया स्पीड इंडेक्स। तो ये आप फार्मूले में अपने देख के पुट करेंगे, देखते हैं हम। अब 61 जो हो गया इसका लोड इंडेक्स हो गया, यानी कि 257 का वेट कैरी करके, पी का मतलब मैक्सिमम रफ्तार 150, यानी कि 257 का मैक्सिमम वेट कैरी करके 150 की रफ्तार तक गाड़ी जा सकती है, ये उसकी लास्ट लिमिट होगी। दोस्तों आते हैं हम अपने लास्ट सेक्शन के पास जो बहुत इंपॉर्टेंट है टायर की वारंटी को समझने के लिए। दोस्तों अगर हम ध्यान से देखें अपने ये टायर के 4 डिजिट, चाहे वो 2 व्हीलर में हो या 4 व्हीलर में, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है टायर खरीदने से पहले आपने अच्छे से ध्यान से देखना है। अब आप देखो ये 4 डिजिट 2822, अब 28 जो हो गया इसका वीक हो गया, यानी कि ईयर का 2022 का मतलब है 2022, यानी 2022 का कौन सा वीक, 28वां वीक में टायर जो है मैन्युफैक्चर हुआ, यानी कि इस टायर को देख के हम बता सकते हैं, इस टायर के इन नंबरों को देख के बता सकते हैं, टायर के 4 डिजिट नंबर को देख के बता सकते हैं ये टायर कब बना। और जो सीट देता है अपने मैन्युफैक्चरिंग ईयर की 5 साल की गारंटी, बट आपकी वारंटी तो तभी स्टार्ट होगी जब आप टायर खरीदोगे, टायर खरीदने के बाद रिटेलर आपको बिल देगा, आप स्मार्ट हो आप देखेंगे टायर का नंबर जिससे आप पता लगा लेंगे टायर कब बना और आपको यही खरीदना चाहिए। दोस्तों अब चलते हैं स्कूटर के टायर के साइज के पास। दोस्तों हम आ गए अपने स्कूटर के टायर के साइज के पास, स्कूटर के टायर के पास जिसका साइज है 90 110। 90 जैसे कि आपको बताया टायर की विड्थ होगी कहाँ से कहाँ तक, इस छोर से यहाँ तक, 100 इसका 90 का 100% हो गया ये हाइट होगी, और 10 इसके रिम का साइज हो गया जिसमें ये फिट होने वाला है ठीक है। दोस्तों अब हम पैटर्न को देख के ये डिसाइड करेंगे ये कहाँ फिट होना है, टायर का पैटर्न जो ग्राउंड पे कांटेक्ट होना है वाला ये है, इस टायर का नाम है, ये टायर जो है आपके ग्रिप बनाएगा, और टायर का नाम भी है ग्रिप X3, सीट का ग्रिप X3, ये टायर आपको ग्रिप देने वाला है, आपको कंट्रोल देने वाला है ऑफ रोड पे जहाँ रास्ता आपका ख़राब हो, ये फिट होने वाला है पीछे की तरफ, बोले तो रियर टायर, और जिसको ऑफ रोड गाड़ी चलानी है वो फ्रंट में भी यूज़ कर सकता है, बट ये है रियर टायर। नेक्स्ट टायर के पास चलते हैं। दोस्तों अगेन आ गए हम अपने स्कूटर के टायर के साइज के पास जो हम लगभग फ्रंट में फिट कर सकते हैं। वंस अगेन 90 110, जो आपको नहीं बताया अभी वो है 53J। अब 90 आपको बता दिया टायर की जो ग्राउंड पे कांटेक्ट होने वाला है विड्थ होगी, 100 इसकी हाइट होगी, 10 इसका रेडियस होगा। अब 53J समझ सकते हैं, 53J समझ लेते हैं, 53 जो आपको बताया लोड इंडेक्स, और J हो गया इसका स्पीड इंडेक्स।
आप 53 अपने चार्ट में देख के हम देख लेंगे कि ये मैक्सिमम जो वेट कैरी कर सकता है वो कितना कर सकता है। अब 53 जो मैक्सिमम वेट कैरी कर सकता है वो 206, और J का मतलब है हमारा भैया 100 के स्पीड, यानी कि हमारा स्कूटर 200 केजी का वेट लेके सिर्फ 100 के स्पीड तक ही चल सकता है। इसके बाद आप भगाएंगे वो अपना रिस्क होगा और बड़े ही डेंजरस और ख़तरे की बात है। और भैया फ्रंट के लिए हमारा हो गया दिस पैटर्न, ये हमारा टायर फ्रंट के लिए हो गया। अब इस टायर की वजह से क्या होगा, हमारी गाड़ी अच्छा एवरेज भी दे सकती है। ठीक है दोस्तों, ये आप देख लो अच्छे से, ये हो गया हमारा फ्रंट टायर। दोस्तों ये एक और साइज है, ये लगभग हमारा जुपिटर में फिट होता है। और अब जो नई गाड़ी आई हमारी एक्टिवा 125, उसमें फ्रंट में भी लगता है, बट ये रियर टायर है क्योंकि इसका ग्रिप हमें देता है टोटल कंट्रोल। आते हैं अपने साइज के पास, 90-90-12-64B 90 इसकी टायर की जो होगी, यानी कि ग्राउंड वाले कांटेक्ट जो टच होगा, 90 इसकी विड्थ होगी, 90% इसकी हाइट होगी, बोले तो यहाँ से लेके टायर की यहाँ तक इसकी हाइट होगी, यहाँ से यहाँ हाइट होगी, और 12 इसका डायमीटर हो गया। अब 64B आप अपने टेबल पे देख के पुट करिएगा, ये आपको हमने सिखा दिया। एक और प्यारा साइज है दोस्तों हमारे पास, 120-70-14 लगभग ये टायर अपरेला में फिट होता है। अब 120 जैसा आपको बताया विड्थ होगी टायर की चौड़ाई, जो ग्राउंड पे कांटेक्ट होना है, जो ग्राउंड पे टच होके चलना है, चिपक के चलना है। 70 इसका 120 का एक्सपेक्ट रेशियो का जो हाइट में होना है, बोले तो यहाँ से यहाँ तक होना है दोस्तों, और आर इसकी चौड़ाई होना है। अब एक बार इसको ग्रिप को आप अच्छे से देखो, ये हमारा रियर टायर पे फिट होना है। अब ऑफ रोड चलानी तो दोस्तों हम इसको फ्रंट में भी यूज़ कर सकते हैं। इस नंबर को बड़े ध्यानपूर्वक देखना, जैसे कि आपको पहले भी एक्सप्लेनेशन करा हमने, लास्ट के 4 डिजिट देखने हैं हमने अपने टायर की वारंटी क्लेम के लिए और टायर नया टायर खरीदने के लिए। अब आप जैसे कि आपको पता है जो फर्स्ट पहले 2 डिजिट हैं और लास्ट के 2 डिजिट में क्या अंतर है, पहले 2 डिजिट हो गए वो ईयर का वीक होंगे, बोले तो ये 26 जो है ये वीक हो गया 2022 का, तो 26वां हफ्ता 2022 में ये टायर जो है मैन्युफैक्चर हुआ। अब आपने ध्यान रखना है 5 साल पुराना टायर आपने नहीं खरीदना है, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, उसमें आपको वारंटी क्लेम लगभग नहीं मिलने वाला। तो दोस्तों ये आप हमेशा नया टायर खरीदने से पहले ये बात आप ध्यान रखना, और मुझे लगता है अब टायर के हीरो बन गए और अब आपको टायर को रेड करने में कोई हरा नहीं सकता। दोस्तों इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगी, कई दिन लगे। अब आप इस वीडियो को अपना आप तो ध्यानपूर्वक देखना है, अपने दोस्तों को भी आपने देना है जो भी नया टायर खरीदने जा रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई वीडियो की देखने की ज़रूरत नहीं है टायर को रीड करने के लिए, सीखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।